विद्यार्थियों का फर्राटा भरने वाले वाहन स्कूटर या फिर गियर बाइक से स्कूल आना जाना स्कूली फैशन बन गया है। वहीं 10 से 14 साल के बच्चे तेज गति से गाड़ी चलाते हुए स्कूल पहुंचते हैं, जहां किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस तरह छोटी उम्र में बच्चे बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। यहाँ पालक ही बच्चों को बाइक थमा देने का यह फैसला अचंभित कर देने वाला है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस यदि बच्चों पर कार्रवाई करे तो पालक ही विरोध करने पहुंच जाते हैं। हालांकि कार्रवाई तो उन पालकों पर भी होनी चाहिए जो कम उम्र के बच्चों को भी गाड़ियां थमा रहे हैं। छोड़ने हैं जैसे भी, लेकिन अपने खुद की गाड़ी में वो पर्सनली ना आए, और इसके लिए हम अपने पीटीआई सर को भी इंस्ट्रक्ट करके रखा हुआ है, तो वो बिल्कुल चेस करते हैं कि कोई बच्चा आ तो नहीं रहा है उसमें, और सारे लोगों से हमने एक बॉन्ड लिखवा के लिया हुआ है कि उनके बच्चे गाड़ी में नहीं आएंगे टू व्हीलर। हमने अभी जा करके यातायात नियमों का पालन करने हेतु कहा है, नाबालिग बच्चे वाहन न चलाएं इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी यदि बच्चे, नाबालिग बच्चे या स्कूली बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है या वो कम उम्र के हैं, ऐसे बच्चे यदि वाहन चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके पालक के विरुद्ध और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, यह संदेश एकदम स्पष्ट है। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में